हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूं यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के क्या आ रही थी। गाइस, यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, जैसा कि आप सभी को बता दें, यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। जैसा कि आज की डेट में पूरी तरीके से जो जवाब दाखिल करना था तुषार मेहता जी को सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने अपनी याचिका दायर कर दी है। तो क्या है पूरी बात, हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। ये सभी छात्रों के लेकर के इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सभी छात्रों को, फाइनल ईयर के छात्रों को तो विशेष करके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या यूजीसी ने अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या फाइनल एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, सारी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल आपको बता दें कि जैसा कि जो मसला चल रहा है, आप सभी को वेल नोन है, किसी को कुछ नहीं बताना है कि फाइनल एग्जाम के सभी छात्रों की इस समय परेशानी यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में ये जो है याचिका दायर की गई है कि यूजीसी अपनी गाइडलाइन को पुनर्विचार करे या फिर सभी छात्रों को प्रमोट करे। तो आइए देखते हैं क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट। जी गाइस, यहां से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे फाइनल ईयर एग्जाम। जी गाइस, फाइनल ईयर एग्जाम यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि एससी मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना। जी गाइस, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो आज की जो याचिका थी उसमें जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एससी से अर्थात यूजीसी से कहा था कि आप पूरी तरीके से अपनी लिखित रिपोर्ट दीजिए, और आज की जो लिखित रिपोर्ट थी इसकी एक हार्ड कॉपी पूरी तरीके से सभी छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो आज जो उन्होंने अपना जवाब दिया उसमें कहा कि परीक्षा का मकसद छात्रों का पूरी तरीके से भविष्य मारना। क्यों? क्योंकि ये मसला पूरी तरीके से सभी छात्रों को लेकर के चलता आ रहा है। वो हर वक्त यूजीसी छात्रों को लेकर के शैक्षणिक गुणवत्ता या फिर उनके फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर के अपने जो मसौदे हैं उसी पर बात कर रहा है। फिलहाल आज की डेट में अगर देख रहे हैं तो ये लगभग 4 बजे की न्यूज़ है। फिलहाल मैं थोड़ा वीडियो आपके लिए डिले कर दिया, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता थी, इस वजह से मैं नहीं आपके लिए जो है कंटिन्यू दे पाया। फिलहाल अभी देर से ही दुरुस्त हम आपके लिए ज़रूर लेके आए हैं क्या है आज की रिपोर्ट, उसके बाद से कोई अभी तक अपडेट नहीं आई है। फिलहाल यूजीसी, जैसा कि यहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं जी गाइस 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों के भविष्य को संभालना है या उनको भविष्य को एक नई दिशा देनी है। इस वजह से यूजीसी ने अपने इस बात को कहा। यहाँ से आप देख लीजिए, जो हमारे चैनल पर क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, ये गलत न्यूज़ है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये आपको बता दें, यूजीसी का लोगों को आपको हमने दिखाया और पूरी तरीके से जो जवाब आज के डेट में दाखिल किया गया यूजीसी की तरफ से, हम आपको पूरा जो है पढ़ के सुना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2020 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट एससी में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम की परीक्षाएं जी गाइस फाइनल ईयर एग्ज़ाम की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। आगे कहा गया कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ आयोजित करके उनके द्वारा अध्ययन किए गए विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों का परीक्षण करना आवश्यक है। यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकारों की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया। यूजीसी ने कहा कि सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई थी। इस हलफनामा में यही मांग की गई है कि सभी याचिकाएँ खारिज की जाए। फिलहाल यूजीसी ने कहा कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक समय संवेदनशील मुद्दा है। जी गाइस, इस समय जो है पूरी तरीके से ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है, और एचआरडी के दिशा निर्देश का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को परीक्षा रद्द करने, स्थगित करने पर जवाब देने के लिए कहा था। यूजीसी ने कोर्ट में कहा था कि अधिकांश जगह परीक्षाएं हो चुकी हैं या होने वाली है,
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जैसा कि कल की डेट में शुक्रवार को होने वाली है। आज की डेट में जो भी लिखित रिपोर्ट थी तुषार मेहता जी के द्वारा सौंप दी गई, उसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से सभी छात्रों के भविष्य को संभालना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और एक नई दिशा देना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना है कि कल की डेट में क्या UGC अपना फैसला लाएगी। लगभग 10:30 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक भूषण जी और आपके जो 3 सदस्यीय बेंच है, जो भी 3 सदस्यीय जजों की पीठ है, वो पूरी तरीके से UGC के जो गाइडलाइन है उसको भी सुनेंगे और अपने भी फैसले हालांकि सुनाएंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कोरोना को लेकर छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र परीक्षा आयोजित न करने की अपील की गई थी और कब की गई है। सुनवाई के दौरान युवा सेना की तरफ से कहा गया है कि देश में कोरोना के कारण स्थिति बिगड़ रही है और यह परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है और बिल्कुल नहीं अनुकूल है। इसके साथ ही याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी किए गए UGC के दिशा निर्देश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में निर्देश जारी करने की मांग की गई है। 6 जुलाई को जारी हुए UGC के दिशा निर्देश में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए निर्देश दिया गया था और इसी पर पूरी तरीके से मसला भी जारी है और इसी पर जो है सारा विवाद, सारी विवाद की जड़ यही है कि यहाँ पर जो 30 सितंबर तक कंपेल्ड कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटियों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट के CM को कि आप पूरी तरीके से वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी आप एग्ज़ाम करवाइए। फिलहाल याचिकाकर्ताओं में COVID-19 पॉजिटिव एक छात्र भी शामिल है। छात्र ने कहा, ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य COVID-19 के पॉजिटिव हैं। जी गाइस, COVID-19 से पॉजिटिव हैं। ऐसे में छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 जी गाइस, जो कि हमारे स्वतंत्रता की बात करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन, घोर उल्लंघन और एक कहें तो एक घिनौनापन है। ये UGC के द्वारा सभी छात्रों को लेकर के इस तरीके से छात्रों को कंपेल्ड करना, यूनिवर्सिटियों को बाध्य करना, हम आपको जैसा कि UGC की जो गाइडलाइन थी उसमें UGC ने ये भी कहा कि किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो पूरी तरीके से अपने यहाँ सभी छात्रों को या तो या प्रमोट करे जी गाइस या एग्ज़ाम न कराए। ऐसा बिल्कुल नहीं अधिकार दिया गया किसी भी राष्ट्र स्टेट को। ऐसे में महाराष्ट्र शामिल था, ऐसे में पश्चिम बंगाल शामिल था, ऐसे में दिल्ली शामिल था, ऐसे में काफ़ी स्टेट शामिल थे जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम UGC के गाइडलाइन का घोर विरोध करते हैं और हम सभी छात्रों को बिल्कुल नहीं एग्ज़ाम करा सकते। फिलहाल ये मसला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला जो है कि उसकी याचिका दायर की गई और ऐसे में देखना है। गाइस, आप सभी को बता दें कि मसला तो काफ़ी लंबा था, ऐसे में आप सभी को पता है कि अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है। जी गाइस, फिलहाल आप सभी को पता है कि इस समय सिचुएशन अगर पर डे की बात करें तो 50,000 के नियर अबाउट, जी गाइस, लगभग 50,000 के नियर अबाउट पर डे केस COVID-19 को लेकर के निकल कर रही। सितंबर में क्या इसकी स्थिति सुधरेगी या पूरी तरीके से और बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अब देखिए क्या अपना वक्तव्य कल जो है UGC की इस गाइडलाइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना क्या जो है फैसला सुनाती है। फिलहाल सभी छात्रों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जी गाइस, कहां तक UGC जो है अब देखना है कि सभी छात्रों के भविष्य को संभालती है, सुधारती है और एक नई दिशा देती है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। और ये थी आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट UGC की तरफ से। अगर और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर आज ही अपडेट जरूर करा देंगे। फिलहाल गाइज, अभी तक तो लेटेस्ट अपडेट यही निकल के आ रही। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।